अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे आलू का पुलाव, या आलू वाले चावल भी कह लेते हैं, या आलू की तहरी भी कहते हैं। ये बहुत मज़े की रेसिपी होती है और इजी होती है। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आधा किलो आलू हैं, 5 से 6 तकरीबन बड़े साइज़ के आलू हैं और उनको मैंने इस साइज़ का काट के रख ली। 1 किलो चावल है और इनको भिगो दिया है। 1 चुटकी हल्दी है, 1/2 खाने का चम्मच सूरह मिर्च का पाउडर है और 1 खाने का चम्मच बिरयानी मसाला है। ये शान का बिरयानी मसाला है, आप कोई भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर है और 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने ले लिया है। क्योंकि बिरयानी मसाले में सब कुछ था तो बीच में मुझे दालचीनी नज़र नहीं आ रही थी, तो 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का ले लिया। 1 खाने का चम्मच लहसुन है और 1 खाने का चम्मच अदरक है और दोनों पीसे हुए हैं, आप जैसे मर्जी डाल सकते हैं। मैंने इनको हाथ से कूट लिया है और 1 छोटा सा प्याज है। सबसे पहले 1 बर्तन में ऑयल डालेंगे और प्याज डाल रही हूँ और साथ में नमक डाल के मैं इसको लाइट सा गोल्डन करूँगी, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे क्योंकि लाइट कलर बहुत अच्छा लगेगा। और नए चावल हैं और इनको मैंने तकरीबन थोड़ी देर के लिए भिगोया है, 10 मिनट के लिए भिगोया है। और ये देखिए प्याज लाल हो चुका है और इसमें मैंने हल्का सा पानी का छींटा लगा दिया है। और अब मैं अदरक लहसुन में थोड़ा सा पानी डाल के तो वो डाल रही हूँ और इसको अच्छे से भूनूँगी। और अब हमने आलू डाल दिए हैं और इसको अच्छे से भूनोगे। तकरीबन अदरक लहसुन को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है और फिर आलू डाल दिए हैं। और आलू डाल के साथ ही मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ और डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी। अदरक लहसुन कितनी प्यारी अच्छी सी खुशबू आ रही है, देसी लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू होती है और ये बिल्कुल न्यू लहसुन आया है, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है। 3 साबुत गोल वाली मिर्चें डाल रही हूँ और 1 खाने का चम्मच जीरे का डाल के इसको अच्छे से भूनते हैं ताकि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। और साथ ही स्पाइसी सारे डाल रही हूँ और डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी। और 3 मैंने ग्रीन चिलीज भी डाल दी हैं लंबी लंबी काट के, और आप जैसे मर्जी डाल सकते हैं, चॉप करके डाल लें या कूट के डाल लें या कट करके डाल दें, जैसे आप पसंद करते हैं आप वैसे डाल लें। अच्छे से भूनने के बाद आलू को अब हम इस पर पानी डाल देंगे। और 3 गिलास चावल है, मैंने इस गिलास के हिसाब से चावल लिए हैं, तो मैं इसमें 3 के अलावा जो एक्स्ट्रा पानी डालूंगी वो मैं 3rd गिलास 4th गिलास फुल नहीं डालूंगी, वो थोड़ा सा हम कम रखेंगे। जो 4 गिलास पानी मैं डालूंगी, 4th गिलास जो डालूंगी वो 1/2 गिलास से थोड़ा ज़्यादा डालूंगी। और डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। जैसे ही बॉयल आए 2-4, तो अब मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। और नए चावलों में हमेशा पानी थोड़ा सा कम रखते हैं तो बहुत खिले खिले बहुत अच्छे से चावल बनते हैं। इस टाइम मैंने इसका नमक टेस्ट कर लिया था, और जब चावलों में नमक थोड़ा सा आपको तेज़ ही लगे करारा सा तो आप समझे कि बिल्कुल ठीक नमक है, क्योंकि एंड पे जाके वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, चावल नमक खींच लेते हैं। और अगर चावलों में नमक फीका हो तो वो फिर अच्छे भी नहीं लगते। चावलों का पानी ड्राई हो गया, देखिए ये 1 कनी चावल है और ये नए चावल है, इसलिए मैं इनको ऐसे ही दम पर लगा दूँगी। और ये जब दम आएगा तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट गल चुके होंगे। अब लगाती हूँ इनको मैं दम। चावलों का दम आ चुका है, लेकिन इसको मिक्स करने से पहले मैं एक दफ़ा आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट से ताक चावल गल चुके हैं और बिल्कुल ठीक से ये पक गए हैं। आप इनको मिक्स करेंगे, देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। इसके साथ ही मैं चाहूँगी इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।